हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद क्रिएटिव आइडियाज। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है हमारा हिंदी पार्ट 4, पत्ते ही पत्ते का हिंदी स्पष्टीकरण। किताब एनसीईआरटी कक्षा 1 विषय हिंदी से। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। शब्द अर्थ कथई, कथे के रंग का। नस नाड़ी, देखो मैंने आपको इमेज दिखाई है, उसमें जो दिख रहा है आपको ब्लू ब्लू कलर का सारी जो भी लाइंस है वो सारी क्या है, नस यानी कि नाड़ी। कथरीला कटे हुए आकार का, कोई भी कहते ना एक कि अगर आप पेपर को कोई कट कर लो तो जो होगा बचा हुआ होगा वो कटे हुए आकार का होगा ना, उसको कहेंगे कथरीला। गंठल पौधे की शाखा। झालर शोभा के लिए बनाया गया लहरदार किनारा, कुछ इस तरीके का जो हम दिवाली के टाइम पे या फिर अगर हमारे घर पे कोई ओकेजन या फेस्टिवल हो तो हम लगाते हैं अपने गेट को बहुत ज्यादा डेकोरेटिव करने के लिए, वही होता है झालर। मुलायम यानी कि कोमल, कॉटन कितनी सॉफ्ट होती है, एकदम बिल्कुल सॉफ्ट जैसा है ना, तो उसको कहते हैं मुलायम इनकी कोमल। खुरदरा इनकी रूखा रफ, बिल्कुल देखो जैसे ये पत्थर कैसा दिख रहा है आपको, बिल्कुल रफ लग रहा है कि अगर हमारे हाथ पे लग जाए तो बिल्कुल छिल जाएगा, उसको कहते हैं खुरदरा रफ रूखा। बंधनवार यानी कि क्या होता है जो हम गेट पे लगाते हैं, आम के पत्ते हो गए या फिर जैसे कोई फास्ट वगैरह रखती है मम्मी तो लगाती है ना आम के पत्ते वगैरह एकदम गेट पर, तो वो होता है बंधनवार। बच्चों यही थी हमारी शब्द, अब हम देख लेते हैं कहानी पत्ते ही पत्ते को। दीदी बोली मैं 5 तक गिनूंगी, गिनती शुरू करने से पहले तुम सब गोला बनाकर बैठ जाओ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपके बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं यहाँ पर और वहां पे एक बड़ी दीदी होती है, वो बोलती है कि मैं 5 तक गिनूंगी, तब तक आप सब फटाफट एक सर्कल बनाओ और प्रॉपरली अपने आप को अरेंज करके एक जगह बैठ जाओ। 1 2 3 4 वो गिनती है। 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी और धड़ाम से बैठ गई। जो कवि है वो क्या कह रही है कि दीदी की 5 बोलने से पहले ही मैं फटाफट भाग के जाती हूँ और धड़ाम से बैठ जाती हूँ। उधर दीदी की गिनती पूरी की और इधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए। जैसे ही वहां पे दीदी ने अपना 5 बोला उतने में सब बच्चे अपना गोला बनाए और बैठ गए। आज दीदी पत्ते लेकर आई थी, कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते। तो दीदी ने जब उनको गोला बनाकर बैठाया तो दीदी कुछ ना कुछ सिखा रही होंगी, कुछ बताने वाली होंगी, तो उसलिए दीदी उस दिन उनके लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग तरीके के पत्ते लेकर आई थी, वो भी कई सारे। हमने पत्तों को अच्छे से देखा, कुछ पत्ते लंबे थे, कुछ गोल थे एकदम गोल, कुछ छोटे कुछ बड़े, क्योंकि हर पेड़ अपना अलग अलग फीचर का पत्ता होता है, उसके पास हर पेड़ का अपना अलग अलग पत्ता होता है। इस तरीके से दीदी भी पत्ते लाई थी, कुछ लंबे थे, कुछ गोल थे, कुछ बिल्कुल प्रॉपर गोल थे, बिल्कुल कहते ना परफेक्ट सर्कल, कुछ वैसे थे, कुछ छोटे थे, कुछ बड़े थे। एक था लाल, एक पत्ता पीला और कथरीला रंग का था। कैसा था, एक पत्ता लाल था और एक पत्ता पीला भी था और कथरीला भी था, कथरीला यानी कि ब्राउन, ठीक है। एक पत्ते पर नस दिख रही थी, नस यानी कि मैंने बताया था काफी सारी लाइन जब हमारे हाथ पे दिखती है तो हम उसको कहते हैं नस, देख कहते हैं ना, तो वैसे पत्तों के काफी सारे नसें दिख रही थी। एक पत्ता कथरीला था और एक पत्ता पूरा ब्राउन था। एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था, यानी कि एक पत्ते का जो डंडा था, जो पौधे का तना था वो बिल्कुल सीधा था। एक पत्ता झालर वाला था। हमने पत्ते को छूकर देखा, कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था तो दूसरी तरफ से खुरदरा, है ना, क्या था, एक 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 तरफ से मुलायम होगा पत्ता और एक तरह से कैसा होगा, बहुत ज्यादा रफ सा होगा,
तो कुछ पत्ते बंधन बार जैसे लग रहे थे। बंधन बार जैसे मैंने बताया जो गेट पे हम लगाते हैं ना, वैसे लग रहे थे। तो यहाँ पे दीदी ने क्या करा, सारे बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या दिखाए, पत्ते दिखाए और उनके बारे में उन्होंने उनको बताया। तो बच्चों यही थी हमारी कहानी पत्ते ही पत्ते की। अब मैं आपको फटाफट एक शॉर्ट रिकैप दे देती हूँ कि इस स्टोरी में आपको बताया क्या गया है। इस स्टोरी में क्या होता है कि एक बार सब बच्चे आते हैं दीदी के पास, तो दीदी उनको हमेशा कोई ना कोई नई चीज बता रही होती है। तो दीदी फटाफट बोलती है कि मेरे पांच गिनने से पहले तुम सब फटाफट बैठ जाओ, 1 2 3 4 5। दीदी जैसे ही बोलती है सब बच्चे घेरा बनाकर बैठ जाते हैं। दीदी उन सभी बच्चों के लिए बहुत सारे और अलग अलग तरीके के पत्ते लाई होती है। कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ नाटे होते हैं, कुछ गोल होते हैं, सब अपने अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ लाख एक पत्ता लाल था, एक पत्ता ऐसे था जिसमें नसें दिख रही थी, एक पत्ता कैसा था, एक पीला था तो एक तरफ आधा कतरीला था, एक पत्ता बिल्कुल ही कतरीला था, कुछ पत्ते बिल्कुल बंधन बार जैसे लग रहे थे, कुछ पत्ते एक तरफ से मुलायम तो एक तरफ से खुरदरे थे। तो इस चैप्टर में आपको पत्तों के बारे में बताया गया है। तो बच्चों आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।